अभी हम मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, जहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल का क़याम अमल में आया है। हमारे साथ इम्तियाज़ साहब हैं जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके साथ ही मस्जिद वन मूवमेंट इसके ज़रिए चलाया जा रहा है। क्या है ये मस्जिद वन मूवमेंट? देखिए, ये मस्जिद वन मूवमेंट जिसमें जो है हम लोग मस्जिद को एक नमाज के साथ ही साथ एक डेवलपमेंट सेंटर भी बनाना चाहते हैं, ताकि मुसलमानों को सोशियो इकोनॉमिकल रिलीजियस हर प्रॉब्लम जो है उसके ज़रिए से सॉल्व किया जाए। और जो कि हम लोग यही चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज होकर काम करें और रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड पर हम लोग काम करें, तभी जाके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि ये जो हम लोग मुसलमान हैं आज के मुल्क का, हम लोग इससे भी नीचे अभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि रास्ता ही नहीं उससे नीचे जाने के लिए। अभी सिर्फ ऊपर आने के लिए हम लोग कोशिश करें और हम सब लोग मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। मस्जिद में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट आपने रखा है, किस तरह के, जैसे यूरोप में मस्जिदें होती हैं कि वहाँ पर हॉल होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, अगर मुस्लिमों को भी आने की इनविटेशन दिया जाए तो ताकि वो इस्लाम को करीब से समझें। यस, देखिए हम लोग वो तो रह गए इंशाल्लाह। देखिए, हम इनिशियल स्टेज में हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग हर मस्जिद के सराउंडिंग में जो भी मुस्लिम आबादी या नीडी लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट करें, ताकि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज होकर पता चल जाए हमारा मोहल्ला का हालत क्या है, हमारे एरिया का हालत क्या है। एक क्लिक में पता चल जाएगा कौन इधर बेवा कितने लोग हैं, कौन यतीम है, कौन जकात देने वाले, कौन जकात लेने वाले, कौन जॉब ढूंढ रहे हैं, हर चीज़ इसके जरिए से किया जाएगा। बाद में हर गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, सालाना तकरीबन 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपीज़ रखा जाता है माइनॉरिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए। इसमें ज़्यादातर ज़्यादा पैसे रिटर्न चला जाता है इधर, नहीं तो मिसयूज़ हो जाता है और मुसलमान के हाथ में बहुत कम पैसा आ जाते हैं या माइनॉरिटीज़ के हाथ में बहुत कम पैसा आ जाते हैं। तो इसे हम लोग यही चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज होकर मस्जिद के जरिए से इसके हर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव इसमें इन्वॉल्व हो जाए और इसके जरिए से काम हो जाए। क्या तरीक़ेकार होगा, किस तरह से मस्जिदों को आप जोड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में या अभी कुछ स्टेट्स को आपने टारगेट किया है, किस तरह से इसको? यस, देखिए हम लोग ये टेक्नोलॉजी के जरिए से ये काम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही साथ हम लोग वो मस्जिद के जरिए से डाटा कलेक्ट करके काम करने से, और ऑलरेडी हम लोग डाटा कलेक्ट करने से हम लोग इफेक्टिव होकर काम कर सकते हैं। उसके सिवा हम लोग ऑलरेडी इसका काम ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं कर्नाटक में, और इंशाल्लाह नेक्स्ट दिसंबर तक हम लोग एक 6 स्टेटों में भी पायलट ये कर लेंगे। उसके बाद में इंशाल्लाह विद इन 1 साल के अंदर सारा मुल्क में हम लोग ये करेंगे और 3 साल में इंशाल्लाह पूरा मुल्क का पूरा मस्जिदों का हम लोग इसके अंडर में लाना चाहते हैं इंशाल्लाह। तो उसमें क्या, किस तरह से आपने वॉलंटियर रखे हैं या पेड लोगों को रखा जा रहा है इन सब चीज़ों के लिए, किस तरह से इसका आपका दायरा का? यस, इसमें वॉलंटियर्स भी रहेंगे, बेशक पेड लोग भी रहेंगे, क्योंकि पेड इसमें फुल टाइम वर्कर्स के बगैर इसमें काम हो ही नहीं सकता। देखिए, पेड लोग तो रहेंगे इंशाल्लाह, उसके साथ साथ वॉलंटियर्स भी रहेंगे। और ये जो हमारे मुल्क भर के पूरे तंजीमों के जिम्मेदार हैं, सब लोग मिलकर इसमें एक फॉर्मेशन किए, इसमें उलमाज है, बिजनेस मैन है, पॉलिटिशियंस है, इंटेलेक्चुअल्स है, प्रोफेशनल्स है, हर तबके के लोग इसमें मिलके एक काम शुरू किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ये सब रहेंगे, एक कमेटी रहेंगे, उसके नीचे फुल टाइम वर्क करने वाले रहेंगे और वॉलंटियर्स मेंबर्स भी रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से आपने कर्नाटक में शुरू किया है, अगर साउथ की हम बात करते हैं, साउथ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इधर की बात करते हैं नॉर्थ की, तो यहाँ पर इस तरह के काम देखने में नहीं आते। और जब इस तरह की चीज़ आती है तो कई बार ये देखने में आता है कि मस्जिद की जो कमेटियाँ हैं या जो जिम्मेदारान हैं उनके ज़रिए कहीं ना कहीं विरोध सामने आता है। नहीं, देखिए हर एक आदमी को डेवलपमेंट चाहिए ही चाहिए होता है। देखिए क्या है, देखिए आज अगर हम लोग नहीं काम नहीं कर पाएंगे तो और कभी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है। ओके, तो इसलिए हम लोग आज काम करने निकलना ज़रूरी है। आज रेसिस्टेंस इनिशियली थोड़ा थोड़ा आ जाता है, लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरी देखते ही उनको ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, अगर हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे ऊपर दूसरे लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि बाजू का मस्जिद में डेवलपमेंट होकर रहेगा इंशाल्लाह और इधर नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो लोग भी उसके लिए काम करना ज़रूरी पड़ेगा इंशाल्लाह। और हम लोग उम्मीद है कि वो लोग सब लोग कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उनका मस्जिद का प्रेसिडेंट का या मस्जिद के इमामों का सिर्फ मस्जिद के अंदर का ही रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, अपना मोहल्ला का भी रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि उनका बारे में अल्लाह ताला ने कल उनका बारे में पूछा जाएगा। तो उनका रिस्पांसिबिलिटी भी है, वो लोग इसे उसके बारे में गौर फिक्र रहे और इसके इसमें लगे रहे और इसके एक अंजाम पर लेके जाए इंशाल्लाह। शुक्रिया इम्तियाज़ साहब जो हमको बता रहे थे कि किस तरह से ये इनकी जो तंजीम है वो किस तरह से काम करेगी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से मस्जिद का कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाने की बात है और लोगों को जोड़ने की बात है, जिसकी सराहना होनी चाहिए और लोगों को इस मूवमेंट से जुड़ना चाहिए। दिल्ली से कैमरा पर्सन ताबिश अली के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।